हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित्राना बीएससी क्लासेस में स्वागत है। बेटा, आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक, जो कि आपका पहला पेपर है, उसका जो पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर की आज हम इंट्रो पार्ट की बात करेंगे इस लेक्चर में। क्लियर? तो जैसे बात की जाए, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं एटम के बारे में, नाइन्थ क्लास से, और नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर इंटर, बहुत अच्छे से आप लोग एटम के बारे में पढ़े होंगे। हम आपको एक जनरल व्यू आपको दे रहे हैं, जिससे चीजें याद आ जाएं दोबारा से। जैसे अगर हम हिस्ट्री ऑफ एटम की बात करें, तो यहाँ पर मैंने जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है कि लगभग 800 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट का अर्थ है 800 ईसा पूर्व, एक भारतीय दार्शनिक था जिसका नाम था कणाद। इस कणाद ने कही बात कही थी कि ये जो पूरी कायनात है, ये पूरी दुनिया है, जो पूरा आपका यूनिवर्स है, कि यूनिवर्स जो आपका है, ये यूनिवर्स मैटर से मिलकर बना है, ये पदार्थ से मिलकर बना है, और इस पदार्थ के अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? इसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कणाद ने परमाणु बोला। क्या बोला? परमाणु, जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु कहते हैं। क्लियर? तो कणाद ने क्या बात बोली कि जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा गया। और ये बात इस बंदे ने कह के छोड़ दी और आगे बढ़ गया। क्लियर? कुछ सालों बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई 1808 के आसपास। डाल्टन ने सेम उसी बात को रिपीट किया, बस थोड़ी सी चीजें बदल दी। इन्होंने कहा कि ये जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, जो मैटर है, ये मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी इसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, और इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जो आपके मटेरियल्स होते हैं, जो आपके मैटर है, ये मैटर आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, और यहाँ पर इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए इसने जो वर्ड, जो टर्म यूज किया, वो टर्म यूज किया एटम। क्या टर्म यूज किया? एटम। एटम एक ग्रीक वर्ड होता है, जिसका अर्थ होता है नॉन डिविजिबल। नॉन डिविजिबल का अर्थ होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, इनडिविजिबल जिसको तोड़ा ना जा सके, या अनकट एवल का अर्थ होता है जिसको काटा ना जा सके। क्लियर? तो उसी चीज को जो कणाद ने बात बोली थी, उसी चीज को डाल्टन ने अपने शब्दों में किस तरीके से बोला, उसने कहा था कि जो मैटर होता है, इस मैटर का सबसे जो मटेरियल है, पदार्थ है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम, और इस एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो हम जो आपकी डाल्टन थ्योरी थी, इस डाल्टन थ्योरी में केवल यही बोला गया कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, मटेरियल की सबसे छोटी जो यूनिट है वो एटम है, बस वहीं पर खत्म हो जाता। अब एटम के आगे हम उस, यानी उस पार्टिकल को तोड़ नहीं सकते। लगभग ये 100 वर्षों तक ये थ्योरी चलती रही। इसके बाद क्या हुआ, 100 वर्षों के बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इसलिए हम बोलना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, और बहुत सारे मॉडल्स आए, बहुत सारी थ्योरी आए, उन थ्योरी के बेस पर ये डिसाइड हुआ, ये क्लियर हुआ कि एटम आपका इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, एटम जो है वो आपका इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम को तोड़ा जा सकता है, और एटम को तोड़ने के बाद जो पार्टिकल मिले, वो मिले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं। तो एक चीज हमारे समझ में आ गई कि जो मैटर है, जो सबस्टेंस है, इसकी जो सबसे छोटी यूनिट्स की अगर बात करें तो वो एटम नहीं है, उससे भी छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। यहाँ लिखा भी है कि जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड आदि ने सिद्ध किया था कि एटम जो है डिविजिबल पार्टिकल है, इसको तोड़ा जा सकता है। क्लियर? जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद जो मॉडल बना, जिसको प्लेटनरी मॉडल या रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल कहा गया, इस मॉडल में क्या चीज क्लियर हुई, इस मॉडल में ये चीज क्लियर हुई कि जो एटम होता है, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होती है, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होती है, जो आपकी कैसी होती है, पॉजिटिवली होती है, जिस पर धनावेश होता है, और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन,
क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। क्लियर। जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो मॉडल बना, उस मॉडल की जो पास्टुलेट थी, उसकी जो परिकल्पनाएं थी, वो परिकल्पना यही थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, और उसका जो सेंटर पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहा गया, उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर। ये आपका रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में बोला गया। इसके बाद क्या हुआ कि ये मॉडल में कुछ कमियां रहीं, जो रदरफोर्ड का मॉडल था इसमें कुछ कमियां रहीं, उन कमियों को दूर करने के लिए एंट्री मारी नील्स बोहर ने, और नील्स बोहर ने एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं नील्स बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ये मॉडल आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहलाती है ये हम लेक्चर सेकंड में देखेंगे। फिलहाल अभी आपको बताना चाहेंगे कि जो बोहर का मॉडल था, इस बोहर मॉडल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करता है। जब ये गति करता है इलेक्ट्रॉन, तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन का करता है, और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। यानी कहने का अर्थ है कि बिना ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण किए हुए ये लगातार वृत्तीय कक्षा में गति करता रहता। लेकिन इस मॉडल की एक सबसे बड़ी कमी थी कि ये मॉडल केवल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड था, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड था। यानी ऐसा सिस्टम, ऐसे आयन जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही मिलता है, ये सबसे बड़ी कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए एक नई ब्रांच, या कह सकते एक नया मॉडल सामने आए, जिनको कहा गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या बोला गया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। इस मॉडल के अनुसार या इस मॉडल पर, इस मॉडल के आधार पर ही जो बोहर के मॉडल में कमियां थी, उन कमियों को दूर किया गया। इस मॉडल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो ड्यूअल नेचर, यानी कहने का अर्थ है कि यहां पर हम ड्यूअलिटी की बात करते हैं। ड्यूअलिटी समझ गए ना, ड्यूअलिटी का अर्थ है जिसके अंदर दो टाइप के नेचर होते हैं, आप पढ़े होंगे पार्टिकल नेचर और आपका वेव नेचर। पार्टिकल बोले तो कण का गुण और वेव बोले तो तरंग का गुण। तो यहां पर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर की बात करते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के ड्यूअल नेचर की बात करते हैं, जो डी ब्रॉय ने इसको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यहीं पढ़ते हैं इसी में, और अर्वन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये जो नीचे के जो मॉडल हैं जो मैंने टिक किए हैं, ये सारे मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। ओके। और इसी के आधार पर बोहर के मॉडल में जो भी कमियां थी उनको दूर किया गया। आप लोग इस इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से समझे। क्लियर। इसमें चीजें मैंने केवल आपको एक जनरल व्यू दिया है। क्लियर। हमें अब जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पीछे के ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये सारी नहीं पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर टू में जो बात करेंगे, लेक्चर टू में वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ही पढ़ेंगे, और उसमें स्टार्ट करेंगे हम ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर। आप सभी लोगों से एक बात और बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी क्लासेस चल रहे हैं हमारे ऐप पर, हमारे चैनल पर, अगर आप लोग इसको कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो क्या करें, आप प्ले स्टोर से सुमित राणा साइंस क्लासेस को डाउनलोड करें, क्योंकि सारी वीडियो, जितना भी बीएससी का सिलेबस है, वो आपको इसी ऐप पर मिलने वाला है। क्लियर।